Dear students, in this module we shall discuss the phenomena of Donan equilibrium that was discovered by Frederick Donan in 1911. This phenomena describes the unequal distribution of ions across the two sides of a differentially permeable membrane. It is defined as if diffusible solutes are separated by a membrane that is freely permeable to water and electrolytes but is totally impermeable to one species of ions, the diffusible salts become unequally distributed between the two compartments. To explain Donan equilibrium, we shall take an example.

कुछ देर के बाद दोनो दोनों आयन पोटासियम और क्लोराइड की कंसेंट्रेशन दोनों कंपार्टमेंट्स में बराबर हो जाती है एट दिस स्टेज वी शैल एड एनदर साल्ट ऑफ कैल्शियम विद ए नॉन डिफ्यूजेबल एन आइन लेट से इट के इट विल ऑल्सो डिसोसिएट एंड प्रोड्यूस दोटाशियम आइन एंड एनाइन ए पोटाशियम आइन इज डिफ्यूजिबल बट दिस एनाइन ए इज नॉट सो ए विल रिमेन कंफाइंड टू कंपार्टमेंट नंबर वन पोटाशियम और क्लोराइड आइन क्विकली अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और एक नई इक्वलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे लेकिन कंपार्टमेंट वन में एन आइन ए की मौजूदगी की वजह से अब जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी उसमें दोनों कंपार्टमेंट्स में आइंस की डिस्ट्रीब्यूशन अन इस तरह से कि पोटेशियम आइंस विल बी मोर कंसेंट्रेटेड इन कंपार्टमेंट नंबर वन विच हैज एन आइन ए वाइल क्लोराइड विल बी लेस कंसेंट्रेटेड इन This compartment. We can explain this donor equilibrium on the basis of distribution of anions and cations. This unequal distribution happens because we are considering gradients, but gradients are not only of chemical concentrations, but gradients are also electrical in nature. चूंकि हम यहां पे आय को डिस्कस कर रहे हैं और आइंस को कंसीडर कर रहे हैं तो आइंस जहां एक तरफ केमिकल नेचर रखते हैं वहीं उनके ऊपर चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रिकल भी हैं और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स को भी मद्देनजर रखना पड़ता है यही वजह है कि नेचर में जब इस तरह से दो कंपार्टमेंट्स में आइंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो इलेक्ट्रोन्यूट्रैलिटी को भी मद्देनजर रखा जाता है और मेंटेन रखा जाता है देयर शुड बी इक्वल चार्जेस इन दी दंपार्टमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस दैट इज वाई इस कोशिश में यहां पर अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस हो जाती है डोनन इक्विब्रियम का एक इफेक्ट यह भी है कि अगर एक नॉन डिफ्यूजल साल्ट एक सोल्यूशन में मौजूद है जो कि सेमी परमिबल मेमब्रेन की वजह से सेपरेटेड है तो दो अलदा कंपार्टमेंट्स में दोनों सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कभी भी इक्वल नहीं होगी दी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दैट हैज नॉन डिफ्यूजेबल सॉल्यूट रिमेन्स हाई इवन एट इक्वलिब्रियम दिस इज कॉल्ड डोनन इफेक्ट Donan effect has greater implications for living cells. As living cells have high concentration of non-diffusible anionic collides in the form of proteins and uh, organic phosphates, they result in the unequal distribution of ions. It also implies that Donan effect creates an intracellular environment विद मोर आइंस इन साइड द सेल देन आउटसाइड हमेशा सेल के अंदर आइंस की कंसेंट्रेशन एक्सट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से ज्यादा होती है आइंस की ये ज्यादा कंसेंट्रेशन सेल के अंदर मोजब बनती है कि वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करते हैं एज ए रिजल्ट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज क्रिएटेड विद इन द सेल An other effect of unequal distribution of ions is the development of an electrical potential across the plasma membrane.